नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। साल 2014 केंद्र की मोदी सरकार ने जब से देश की कमान संभाली तब से दशकों से नजरअंदाज किए जाने वाले मुद्दे पर सरकार ने एक के बाद एक कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। फिर चाहे वो तीन तलाक को खत्म करना हो या फिर कश्मीर से धारा 370 को हटाना। इतना ही नहीं, अदालत के आदेश के बाद बेहद कम समय में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड और CAA को लेकर केंद्र सरकार की तैयारी है। UCC को लेकर माना जा रहा है कि यह 2024 चुनाव के पहले केंद्र सरकार का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि ये कानून सीधा सीधा लोगों से जुड़ा हुआ है। यूसीसी को लेकर कई तरीके के स्टेटमेंट्स अब तक सामने आ चुके हैं। विपक्ष के ऐसे कई दल हैं जो लगातार इसके विरोध में हैं, कुछ समर्थन में हैं। जबकि ये बात शीशे की तरह साफ है कि यूसीसी का मकसद केवल समानता देना है, समान अधिकार वाला ये कानून है, ना कि किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की शुरुआत देवभूमि यानी कि उत्तराखंड के साथ होने जा रही है और वहां की धामी सरकार ने यूसीसी को लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए बनाई गई कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और माना यह जा रहा है कि बजट सत्र में पेश कर विधानसभा से इसको पास कराने की तैयारी है। लेकिन इसी बीच में अपडेट आपको यह देते हुए कि इससे पहले एक बैठक चल रही थी और उस पर संभावित यूसीसी के ड्राफ्ट पर चर्चा होनी थी, वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। सरकार के फैसले पर आपको पहले कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनवा देते हैं और उसके बाद जिन सवालों के साथ आगे बढ़ेंगे उनकी तस्वीर भी आपके सामने रखें। देखिए ना, अभी उत्तराखंड विधानसभा में जो पेश किया गया है, जो बिल पेश किया गया, उस पर बहस होगी, उस पर चर्चा होगी। मैं जैसा कि मैंने पढ़ा है, अखबारों में ही पढ़ा है, पर मुझे बिल अभी तक मैंने देखा नहीं है, उस पर विचार विमर्श होगा। सर, आप तो झारखंड में हैं, यहाँ के और ये सब ध्रुवीकरण की राजनीति का एक हिस्सा है। ध्रुवीकरण की राजनीति, जो प्रोत्साहन मिलता है चुनाव के वक्त पर चुनावी फायदे के लिए, ये बिल्कुल उनकी बीजेपी RSS की रणनीति है। केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जी ने उत्तराखंड को टोकनिज्म के लिए, प्रतीकात्मकता के लिए उपयोग में लाए हैं, ताकि ये भी हो जाए कि हमने कॉमन सिविल कोड लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और हमारे जो तीन वचन थे वो तीनों वचन हमने देश से पूरे कर दिए हैं, और दूसरी तरफ जो है कुछ करना भी ना पड़े। और यदि इतना ही आवश्यक था तो फिर केंद्र में क्यों नहीं लाए? अब हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, उनमें कहा गया है कि देश के अंदर एक समान तरीके के कानूनों को बनाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, और ये दायित्व जो है केंद्र को सौंपा गया है कि वो सहमति बनाए। तो आप सहमति बनाते, उसको लागू करते। अब उत्तराखंड का कानून तो जो है उत्तराखंड की सीमा से बाहर लागू ही नहीं होगा। कॉमन सिविल कोड की जहाँ तक बात है, आप ये देखिए कि मुल्क में जब ये बात उठी थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाकायदा कमेटी बनाई थी और उस पर लोगों से राय भी मांगी थी और बहुत सारे लोगों ने राय भी दी है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों का को उस चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए, और विरासत के अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं तो लोगों को उसका हक छीनना नहीं चाहिए किसी को भी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है वो जब रिपोर्ट सौंपेगी, उसका जो ड्राफ्ट सामने आएगा, तब जाके इस पर बात होनी चाहिए। तो आपने सुना हरीश रावत को, जयराम रमेश को, और इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष भी आपके सामने था। लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे सवाल हैं जो इन बयानों के इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं।